नमस्कार फ्रेंड्स, प्रियाज मैजिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेथी मटर मलाई की सब्जी बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और सबको बहुत पसंद आती है। देखिएगा किन किन चीजों की आवश्यकता है इसमें। ये मैंने साफ करी हुई मेथी ली है, जिसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। ये मैंने मटर ली है, ये कसूरी मेथी है, ये थोड़ा मिल्क पाउडर है, इसकी जगह आप मावा भी ले सकते हैं। मैंने मिल्क पाउडर लिया है, ये खसखस है, ये थोड़े से काजू लिए हैं मैंने, ये लहसुन, दो हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है छील के, और ये फ्रेश क्रीम ली है दूध की, ये थोड़े प्याज हैं जो मैंने रफली कट कर लिए हैं, और ये आधा कप दूध है गर्म जिसको हमको इसमें डालना है। सबसे पहले हम पैन के अंदर मेथी को अच्छे से धो के और थोड़ा सा ब्लांच कर लेंगे। जब इसमें उबाल आएगा तब हम इसमें मेथी डालेंगे। मेथी को हम खूब अच्छे से धो लेंगे दो तीन पानी के अंदर। मैंने इसको दो पानी में धो लिया है और तीसरे पानी में फाइनली मैं इसको धो रही हूँ, और इसको हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे इस तरीके से, जिसमें एक्स्ट्रा वाटर जो इसका निकल जाएगा, और इसको हम बॉइल्ड वाटर में डालेंगे। ये पानी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम मेथी को डालते हैं। बस दो चार मिनट के लिए हमको अच्छे से स्टीम इसको देनी है और इसको निकाल लेना है हमको। अब हम इसको ढक के रख देते हैं, और एक दूसरा पैन लेके हम इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे। प्याज जो काटा था हमने रफली, हम उसको डाल देंगे, और ये थोड़े से काजू हमारे, लहसुन को, और जो खसखस थी पॉपी सीड्स हैं जो, इनको डाल देंगे, और इनको थोड़ा सा गलने के लिए हम इसमें रख देंगे। इसको भी हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस मेथी को हमको इसमें से निकाल के बस फिर ठंडे पानी में डालना है, इससे मेथी का कलर हमारा बरकरार रहेगा, बिल्कुल हरा हरा रहेगा, और थोड़ा ठंडा होने पर हम इसको बारीक कट कर लेंगे। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं और थोड़ा हिला के फिर रख देते हैं। ये मेथी को हमने खूब अच्छे से निचोड़ लिया है, इसको अब हम एक चाकू की हेल्प से कट करेंगे बिल्कुल बारीक बारीक। इस तरीके से हमने इसको बारीक कट कर लिया है, अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। पैन में सबसे पहले हम देसी घी डालेंगे, घी से सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाता है। घी हमारा मेल्ट हो रहा है, इस समय पे हमने जो प्याज का, लहसुन का और काजू का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डालेंगे। और इसको हम अच्छे से हिलाएंगे। अब हम इसके अंदर हमारे ये मटर डाल देंगे, और हमारे स्वाद के अनुसार हम इसके अंदर नमक डालेंगे। इसको अच्छे से खिलाते हैं। काजू होने के से हमारी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसके लिए हमको इसके अंदर दूध डालना है थोड़ा सा। और इसको हम अच्छे से हिलाएंगे। मावे की बजाय हमने इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाला है, जिससे सब्जी का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा, ये हम इसमें डालेंगे। और इसको लम्स ना आए इसलिए हमको इसको अच्छे से हिलाते रहना है। ये हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे इसके अंदर, और इसको अच्छे से हिला देंगे। एक उबाल आने तक हम इसको थोड़ा ढक के रख देंगे। एक बार हम इसको खोल के देखते हैं, इसमें उबाल आ चुका है। इस समय पे हमने ये जो मेथी ब्लांच की थी इसको हम इसमें डालेंगे। बहुत ही अच्छी सब्जी होती है, बहुत पौष्टिक होती है ये सब्जी, और सभी को बहुत पसंद आती है पूरी पराठे के साथ।
इसको हम अच्छे से हिला देंगे इसमें। इस समय पे हम इसके अंदर ये जो हमने मलाई निकाली थी फ्रेश, ये इसके अंदर मिला देंगे। और थोड़ी सी काली मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप मिर्च खाते हैं। इसको हम बिल्कुल ही मीडियम आंच पे रख रहे हैं और इसको हम ढक के रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक इसमें एक बढ़िया सा उबाल ना आ जाए, जब तक हम इसको एक बॉइल लगाएंगे। मेथी मटर मलाई में उबाल आ चुका है, अब हम इसके अंदर थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे। ये मेथी मटर मलाई की सब्जी हमारी तैयार है। अगर हमको गर्मियों में इसको बनाना है तो हम कसूरी मेथी लेके इसको हम बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मेथी मटर मलाई की सब्जी तैयार हो गई है। इस पे हम अब थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश करेंगे, और इसके अलावा आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रेड कलर घी वाला बना के डाल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। देखिएगा कितनी सुंदर लग रही है हमारी सब्जी, और टेस्ट भी बढ़ जाता है इससे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, और प्रयाग मैजिक को लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, बहुत ही हेल्दी सब्जी बनी है। इसको बच्चे बूढ़े और सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। आप इसे पराठे पूरी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक बार जरूर बना के देखिएगा। प्रयाग मैजिक को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इतनी अच्छी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। ओके, थैंक यू सो मच।